आगर मालवा निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर परिवहन यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए करीब 24 वाहनों पर चालानी कार्यवाही की। 3 सवारी बिठाकर आ रहे नाबालिग को आरटीओ अधिकारी ने रोका तो वहीं गिड़गिड़ाकर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे जाने दो। इस पर अधिकारी ने एक पुलिस आरक्षक को उसके साथ भेजा और उसके घर छुड़वा कर दोपहिया वाहन थाने पर बुलवाया। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कोतवाली थाने के सामने कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही में जिला परिवहन अधिकारी अंबिका प्रसाद श्रीवास्तव, यातायात थाना प्रभारी सोनू बड़गुजर सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। इस दौरान जिन चार पहिया वाहनों पर पार्टियों के पद लिखे हुए थे उनको तत्काल हटवाकर वाहनों का चालान बनाया गया। इस परिप्रेक्ष्य में की गई आज की कार्रवाई चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार और कलेक्टर महोदय के निर्देश के पालन में जो नंबर प्लेट हूटर और बत्तियाँ अवैध प्रकार के गाड़ियों के अंदर वाहनों के अंदर संयोजन किए हुए हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। सिंबल बने हुए हैं नंबर प्लेट के ऊपर, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखा हुआ है अन्यथा नंबर प्लेट के नंबरों पर तक उस पर कार्रवाई की। लगभग अभी तक कितने वाहनों पर कार्रवाई तक लगभग 24 वाहनों पर कार्रवाई की गई है और 14,000 रुपये जुर्माना वसूल किया है। एक गाड़ी बिना बीमे के जब्त करके अंदर थाने में कोतवाली में रखी गई है। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी।